तो कंपाउंड के बाद ये पीपीएफ होगा। काफी हद तक इसके स्क्रैच डिम हो जाते हैं, लेकिन पीपीएफ टाइम पर करवाएं गाड़ी को ताकि गाड़ी के स्क्रैच वगैरह मजीद और ना बने। फोर रनर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी, और उसके अलावा रोला की एक साइड हो चुकी है कंप्लीट। हमारे पास आ गया हाइलक्स रिवो, इसके फ्रंट बम्पर उतारे गए हैं, फ्रंट लाइट्स उतारे गए हैं, स्कर्ट्स वगैरह हर चीज इसकी उतारी गई है, ये आपके सामने है जी। तो उसके अलावा इसको करेंगे क्रॉस ब्लैक भी, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी के ऊपर लगता भी बड़ा अच्छा। अगला वो हमारे पास लगी हुई है जी करोला, राइट साइड के दोनों डोर हो चुके हैं जी पेस्ट। उसके बाद हम आज लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर हो चुका है। फोर रनर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी, इसकी थोड़ी बहुत टचिंग हो रही है, बाकी ए टू जेड गाड़ी हो गई है कंप्लीट। इसके बम्पर होंगे पेंट, और उसके अलावा रोला की एक साइड हो चुकी है कंप्लीट। दूसरी साइड पे हम आ चुके हैं, और यहाँ हमारे पास आ गया हाइलक्स रिवो। ड्रैग कंपाउंड करने के बाद इसको हम करेंगे पीपीएफ। अच्छा, अक्सर नई गाड़ियां होती है उनको कंपाउंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हमने कंपाउंड इसीलिए की है क्योंकि इसके ऊपर निशान है डोर से व्हाइट कलर के, आपको नजर आ रहे होंगे, ये इसको क्लियर करने के लिए है। कुछ क्लियर हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए, क्योंकि ये इसके पेंट के अंदर आ जाते हैं ये, जब आप पीपीएफ लेट करवाते हो कंपाउंड के बाद ये पीपीएफ होगा। काफी हद तक इसके स्क्रैच डिम हो जाते हैं, लेकिन जहां से नहीं हो सकते वो यही है कि आप पीपीएफ टाइम पर करवाएं गाड़ी को ताकि गाड़ी के स्क्रैच वगैरह मजीद और ना बने। बोनट हो चुका है, उसके बाद जी दोनों डोर्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो कैसे कमाल की फिनिशिंग है, ये शाइन इसकी चेक कर सकते हो आप। और इसके बाद इसके बैक फेंडर भी हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम अगर बात करें करोला की, करोला भी तकरीबन बैक बम्पर हो चुका है इसका, और एक साइड हो चुकी है, और उसके बाद लेफ्ट साइड का डोर हो चुका है बैक वाला।